हेलो बच्चों, कैसे हैं? हिंदी मीडियम क्लास 12th, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर। विद्युत धारिता में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि विद्युत धारिता क्या होती है, विद्युत धारिता का मात्रक, विमीय सूत्र क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हमने अपने पिछले लास्ट वीडियो के अंदर की थी। तो उस लास्ट वीडियो का आप जरूर देख लें। आज हम बात करेंगे कि जो विद्युत धारिता हमारी आई थी किसी चालक के कारण, उसका जो सूत्र था सी बराबर 4π ε₀ आर था। अब इस सूत्र से जब हमने पृथ्वी की धारिता ज्ञात की थी तो पृथ्वी की जो धारिता आई थी वो 711 माइक्रोफेरड आई थी, यानी कि वो धारिता बहुत कम थी। इसका मतलब ये हो गया कि चालक में धारिता या आवेश ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। बड़े से बड़े चालक के अंदर, जैसे कि पृथ्वी का उदाहरण लिया था, तो उसमें भी बहुत कम धारिता हमें प्राप्त हुई थी। तो हम अब धारिता को बढ़ाने के लिए क्या करें? तो धारिता को बढ़ाने के लिए एक युक्ति बनाई जाती है। इस युक्ति को या डिवाइस को हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर, या फिर हम इसको बोले कंडेंसर, जैसे कि अंग्रेजी माध्यम में बोला जाता है। अब देखिए कि संधारित्र क्या होगा, संधारित्र से हम धारिता कैसे बढ़ाएंगे, और संधारित्र कितने प्रकार का होता है, संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल क्यूट चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप, संधारित्र। हेडिंग लगाइए संधारित्र। बिना आकार में वृद्धि किए हुए चालक की धारिता को बढ़ाने वाली युक्ति संधारित्र कहलाती। संधारित्र कहलाती बिना आकार में वृद्धि किए हुए चालक की धारिता को बढ़ाने वाली युक्ति संधारित्र कहलाती है। यानी कि ऐसा डिवाइस जिससे हम उसके बिना आकार में, यानी आकार को बढ़ाए बगैर, उसकी धारिता को बढ़ा सकते हो, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? संधारित्र। जैसे कि हम जानते हैं, देखिए सी का जो सूत्र होता है वो क्यू बटे वी होगा। यदि हम नियत आवेश पर विभवांतर को कम कर दें, अर्थात नियत आवेश पर विद्युत विभव को घटा दिया जाए तो धारिता बढ़ जाती। यदि हम किसी भी कंडीशन में नियत आवेश पर विद्युत विभव को घटा दें तो धारिता क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। ये बात क्लियर है? क्योंकि यदि आवेश नियत रहे और विभवांतर को लगातार हम घटाते चले जाएं तो ये कैसे संभव होगा? या फिर हम दूसरी बात करें कि ऐसी युक्ति जो अधिक से अधिक आवेश तथा अधिकतम विद्युत ऊर्जा को क्या कर सकती हो? संग्रहित कर सकती हो, वह युक्ति जो अधिकतम आवेश व विद्युत ऊर्जा को ग्रहण कर सकती हो, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है वह युक्ति जो अधिकतम आवेश व विद्युत ऊर्जा को ग्रहण कर सकती हो, संधारित्र कहलाता है। तो संधारित्र से हमें सीधे सीधे से मतलब समझ में आ रहा है कि ये तीनों बातें एक ही हैं।
यानी कि आकार में बिना परिवर्तन किए कोई परिवर्तन ना करें और उसकी धारिता बढ़ जाए, या फिर हम बोलें कि नियत आवेश पर यदि विभव कम कर दें हम किसी भी चालक का तो धारिता बढ़ सकती है, या हम बोलें कि ऐसा युक्ति जिसमें अधिकतम आवेश और अधिकतम विद्युत ऊर्जा ग्रहण कराई जा सकती हो या ग्रहण की जा सकती हो उसको हम क्या बोलेंगे, संधारित्र बोलेंगे। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या हो गया, यहीं से सिद्धांत निकल जाएगा। तो ये देखिए कि संधारित्र का सिद्धांत हम हेडिंग लगाते हैं अपने यहाँ, संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। जब एक आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित व भूसंपर्कित व भूसंपर्कित चालक रखा जाता है तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है, आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। जब एक आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित व भूसंपर्कित चालक रखा जाता है तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है, यानी कि यदि हम एक आवेशित चालक ले लें और उसके नजदीक एक अनावेशित व भूसंपर्कित चालक रख दें तो हमारे उस आवेशित चालक की यानी कि पहले वाले चालक की धारिता बढ़ जाएगी। यही क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। तो इसको समझने के लिए, ये तो सिद्धांत हो गया, अब इसको समझे कैसे, समझने के लिए नोट कर लीजिए बच्चों, समझने के लिए हम क्या करें कि एक चालक परत ले लेते हैं या प्लेट ले लेते हैं। एक प्लेट ले ली मान लीजिए, ये हमने एक प्लेट मान ली, ये लाइन नहीं है बच्चों, ये क्या है, प्लेट है। ये एक प्लेट मान लिया जिसको हमने एक स्टैंड पर रख लिया है, इस तरह से एक प्लेट लगी हुई है ऐसे करके। तो इस प्लेट पर यदि हम किसी स्रोत से आवेश देते हैं क्यू, तो ये प्लेट पूरी तरह से कैसी हो गई, धनावेश मान ली, पूरी तरह से कैसी हो गई, धनावेश, प्लेट ए। ठीक है, पहले स्टेप में हमने ये लिख लिया। इसके बाद जब ये प्लेट पूरी तरह से आवेशित हो जाए तो इस आवेश क्यू का स्रोत हटा देंगे। अब ये प्लेट पूरी तरह से आवेशित है, इसके बाद इसमें आवेशन करने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इसके ठीक सामने एक दूसरी अनावेशित प्लेट बी रख देंगे, एक दूसरी अनावेशित प्लेट बी रख देंगे। तो क्या होगा बच्चों, देखिए, प्रेरण के कारण बी की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होगा और बी की बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होगा, बी की बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होगा। इस माइनस क्यू प्रेरित आवेश के कारण, माइनस क्यू प्रेरित आवेश के कारण प्लेट ए के विभव में कमी होगी। प्लेट ए का विभव कम करता है ऋणात्मक आवेश, आप जानते हैं अच्छी तरह से, परंतु प्लस क्यू प्रेरित, जो प्लस क्यू प्रेरित आवेश है बाहर, आवेश के कारण प्लेट एक के विभव में वृद्धि होगी। यानी कि ये माइनस क्यू आवेश तो प्लेट एक के विभव को कम करेगा
और बाहर का प्लस क्यू आवेश प्लेट एक ही विभव को बढ़ाएगा, तो एक कम कर रहा है दूसरा बढ़ा रहा है, लेकिन इस प्लेट की कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी प्लेट बी की, तो माइनस क्यू आवेश क्या होगा प्लेट ए के नजदीक है, किसकी तुलना में, इस प्रेरित प्लस क्यू आवेश की तुलना में। परंतु तो हम ऐसे लिख सकते हैं, परंतु माइनस क्यू प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश प्लेट ए के नजदीक है, नजदीक है, अतः परिणामी विद्युत विभव कम हो जाएगा। परिणामी विद्युत विभव कैसा हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, क्योंकि प्लेट ए के नजदीक पड़ता है माइनस क्यू आवेश और थोड़ा सा दूर पड़ेगा प्लस क्यू आवेश, तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट निकल करके क्या आएगा, प्लेट ए का विभव कम होगा। अब प्लेट ए का विभव कम हो गया यानी कि इसके आवेश का लेवल कम हो गया, जैसे ठस ठस करके भरते ना, मान लीजिए कि हमने एक बैग में कपड़े लगा लिए अपने, अब हमारे लास्ट के कपड़े रह गए, तो हम क्या करें, बैग को दबा के उसमें और कपड़ों के लिए जगह बनाते ना, तो ऐसी अब इसमें जगह बन गई, किसमें, इस प्लेट में, किसको जगह बनानी है, आवेश को ग्रहण करनी, अब इसमें और आवेश आ सकता, अब इसमें क्या आ सकता है, और आवेश आ सकता है, और आवेश आ गया तो मान लीजिए फिर प्रेरण चालू हो गया, फिर प्रेरण चालू हो जाएगा, फिर और आवेश आ सकता है, तो इस तरह से हम प्लेट ए की धारिता को बढ़ा सकते हैं। अभी मान लीजिए कि हमें और ज्यादा बढ़ानी है धारिता, तो अब हम अगले स्टेप क्या करें कि यदि प्लेट बी को भूसंपर्कित कर दिया जाए, यदि हम सेकंड स्टेप में क्या करें कि मान लीजिए कि ये तो प्लेट ए थी हमारी और प्लेट ए पूरी तरह से कैसी थी, धनावेशित प्लेट थी। अब हमने क्या किया कि इसके ठीक सामने दूसरी प्लेट रखी जो कि निरावेशित प्लेट है, कोई आवेश नहीं है, प्रेरण के कारण इसकी आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश होगा, बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश होगा, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। भूसंपर्कित करने से क्या होगा, इसका जो धनावेश होगा बाहर का सारा कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, तो अब प्लेट पर केवल माइनस क्यू आवेश रह गया और इस माइनस क्यू आवेश के कारण प्लेट ए के विभव में अत्यंत कमी हो जाएगी, जिससे बहुत अधिक धारिता प्लेट ए की बढ़ जाएगी, यानी कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो बच्चों ये सीधा सीधा सा सिद्धांत होता है, सिद्धांत में क्या चीज़ होती है कि यदि हम किसी चालक, आवेशित चालक प्लेट के नज़दीक कोई अनावेशित व भूसंपर्कित प्लेट रख दें तो उस आवेशित प्लेट की धारिता बढ़ जाती है, इसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। तो इसी सिद्धांत पर संधारित्र बनाया जाता है। अब देखिए कि संधारित्र का कितने प्रकार के होते हैं, संधारित्र, संधारित्र बहुत प्रकार के होते हैं, अब हम वो पढ़ते हैं सारे। सबसे पहले हम आते हैं संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार, नंबर एक समांतर प्लेट संधारित्र, नंबर दो गोलीय संधारित्र, नंबर तीन बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। पहला हमने लिख लिया समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट में नाम से पता चल रहा है कि प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हूँ, तो ऐसा संधारित्र जिसमें दो प्लेटें समांतर होती हैं एक दूसरे के, उसको हम क्या कहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र बन गया हमारा, तो इसका सिद्धांत क्या लिखेंगे, जो अभी आपको समझाया था वही, कि एक हम पहली प्लेट ले लेंगे प्लेट ए
और इसको पूरी तरह से क्या कर लेंगे, आवेशित कर लेंगे। इसके ठीक सामने एक दूसरी प्लेट लगी होगी जो कि भूसंपर्कित होगी, उसकी आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा प्रेरण के कारण, तो अधिकतम विभव की कमी हो जाएगी प्लेट ए में। तो इस तरह से इसका सिद्धांत हम यहाँ पर इसी प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार की हमने बताया। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना, तो अब अपना अलग से हेडिंग लगाते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। हेडिंग लगाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो मान लेते हैं कि माना कि समांतर प्लेटें कैपिटल ए क्षेत्रफल की हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, एक प्लेट धनावेशित है प्लस क्यू आवेश से, तो दूसरी प्लेट माइनस क्यू आवेश से आवेशित है और इसको भूसंपर्कित किया गया, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी। तो निर्वात में इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र लगेगा जिसकी दिशा कहाँ होगी, धन प्लेट से ऋण प्लेट की होगी, ये तो सभी जानते हैं, पहले आपको बता चुके हैं पिछले अध्याय में। और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, ई जीरो। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ई जीरो, ये दिया जाता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो से, किससे दिया जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व को हम लिखते हैं क्यू बटे ए से, तो ये सूत्र आ गया हमारा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए। समीकरण नंबर हम क्या डाल देंगे, एक डाल देंगे, समीकरण नंबर हमारी क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। अब इसके बाद में हम देखिए कि यहाँ धारिता हमें निकालनी है, चूँकि धारिता बराबर कितना होता है, सी बराबर क्यू बटे वी, तो विभव चाहिए, तो विभव यहाँ कितना आएगा, तो विभव निकालेंगे सबसे पहले, विभव बी बराबर, हम यहाँ बात करेंगे कि विभव बी बराबर कितना आएगा, विभव बी बराबर होता है ई इंटू डी। अब ये निर्वात है तो ई जीरो इंटू डी, कैसे निकाला, ये विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध ज्ञात किया था, ध्यान है, ई बराबर डी वी बटे डी आर, तो ई बराबर बी बटे आर, दूरी का आर कितनी है, डी के बराबर है, तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ई जीरो डी। तो हम यहाँ पर ई जीरो का मान कितना है, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए इंटू डी, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर दो। अब हम देखते हैं कि धारिता कितनी आएगी, तो धारिता सी बराबर सूत्र होता है क्यू बटे बी, या सी बराबर हम लिखेंगे क्यू और बटे बी का मान क्यू डी बटे एप्सिलॉन जीरो ए, क्यू डी बटे एप्सिलॉन जीरो ए, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास में एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी। तो यहाँ पर धारिता सी जीरो बराबर आ जाता है एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी, ये आ गई हमारी निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र सी जीरो बराबर एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। अब यदि इसमें पूरी तरह से माध्यम भरा होता तो माध्यम में धारिता हम कैसे ज्ञात कर लेते, मान लीजिए माध्यम भरा होता तो माध्यम में धारिता सी एम मान लेते, सी एम बराबर आ जाता है एप्सिलॉन एम ए बटे डी, कितना आ जाता, एप्सिलॉन एम ए बटे डी। तो एप्सिलॉन एम का मतलब है, एप्सिलॉन एम का सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारी बातें, तो ये हमें डायरेक्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, माध्यम में धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम और पढ़ते हैं आगे। माध्यम में धारिता क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। चलिए अब हम माध्यम का प्रभाव पढ़ते हैं, अगला हेडिंग लगाएं परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव।
हटा देता हूँ, हटा जाता हूँ। परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र पर परावैद्युत पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मान लीजिए कि माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र मान लिया और ये समांतर प्लेट संधारित्र मान लिया, ठीक है जी, माइनस क्यू और सॉरी प्लस क्यू और माइनस क्यू और इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में कितनी है, ई जीरो। ई जीरो का मान हम जानते हैं सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर एक परावैद्युत पदार्थ की बनी हुई परत रख दी, ठीक है जी, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। कितना मान लिया, आप इच्छित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर मान ली, ओके। तो जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र इस पर कैसे लगेगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर, ये आप जानते हो। तो जैसे ही हम किसी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश उसमें जितने भी द्विध्रुव आघूर्ण बनते हैं वो सब विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आने का प्रयास कर लेंगे। मान लीजिए कि ये इस तरह से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें ये द्विध्रुव ऐसे रखे होते, ये मान लिए मैंने द्विध्रुव इस तरह से रखे, तो जैसे ही हमने इनको विद्युत क्षेत्र में रखा तो ये सारे द्विध्रुव क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश घूमने का प्रयास करेंगे और विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही आ जाएंगे। तो हम इन सारे विद्युत द्विध्रुवों को विद्युत क्षेत्र के अनुदिश कर देंगे। तो ये देखिए कि माइनस प्लस और माइनस प्लस विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आ गए, यानी कि ये इधर आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, या। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि मान लीजिए कि ये हमारी साइड P है, ये Q है, तो ये ऋणावेशित आवेश से प्रेरित हो रही है पूरी, ये तो द्विध्रुव आ गए सारे, और ये धनावेशित आवेश से प्रेरित हो रही, तो इस पर प्रेरण उत्पन्न हो गया और प्रेरण उत्पन्न होने के कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। उस विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा क्या होगी, धन से ऋण की होगी। ये वाला तो पूरा धनावेश प्रेरित मान लिया और ये वाला बच्चों हमने क्या मान लिया, ऋणावेशित प्रेरित मान लिया पूरा, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ अंदर। तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ ईपी, उसमें जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो भी प्रेरित आवेश घनत्व होगा, सिग्मा पी वो भी कैसा आवेश घनत्व होगा, प्रेरित आवेश घनत्व होगा। इस सिग्मा का मान तो क्यू बटे ए होता है और इस सिग्मा का मान क्या आएगा, सिग्मा पी का ना क्यू पी बटे ए, यानी कि जितना आवेश प्रेरित होगा उतना ही आ जाएगा। तो ये आ गई इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा इसके अंदर, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, E बराबर E जीरो माइनस EP, यानी कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो क्या हो गया, कम हो जाता है। तो जब भी हम परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसका परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ये हमें सूत्र से जा कर के मिल रहा है। या हम E बराबर लिख सकते हैं, E जीरो का मतलब सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन जीरो, ये हमारा सूत्र यहाँ पर निकल करके आ जाता है। तो अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखिए, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर उत्पन्न, यदि वो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है तो उसके अंदर पहले से ही द्विध्रुव बने होंगे और वो द्विध्रुव
विद्युत क्षेत्र के अनुदेश आने का प्रयास करेंगे, यानी कि उसके अनुदेश इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक नई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ पर बनेगी, जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसी होगी, विपरीत होगी। ठीक है जी, ये अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना। अब मान लीजिए कि कोई टी मोटाई की परत हमने रख दी, तो हम धारिता कैसे ज्ञात करें, वो आपको अब पढ़ाते हैं आगे टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक लगा रहे हैं, जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ, हटा देता हूँ। चल तो हम लिखें अगला टॉपिक डालेंगे। अगला देखिए, टी मोटाई व एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक की परत समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखी हो, टी मोटाई व एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक की परत जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखी हो, तो उसकी धारिता कितनी आएगी वो हम ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए आंसर में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र मान लिया, ये पूरी तरह से धनावेशित है, प्लेट ए प्लस क्यू आवेश, और प्लेट बी पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, ये भूसंपर्क के तमय करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, डी, और प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्या करें कि टी मोटाई की, एक टी मोटाई की परत जिसकी मोटाई कितनी है टी, तथा परावैद्युतांक कितना है एप्सिलॉन आर रख दिया जाए, कितना रख दिया जाए एप्सिलॉन आर रख दिया जाए, तो इसके कारण अब धारिता कितनी होगी इसके अंदर, तो वो ज्ञात करते हैं। चलिए कैसे ज्ञात होगा, हमें देखिए आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि धारिता का सूत्र तो एक ही है, सी बराबर क्यू बटे बी। अब क्यू यहां पर सेम है, क्यू बदलेगा नहीं, वी बदलेगा बार बार। जब भी आप कुछ चीज अंदर रखोगे समांतर प्लेट संधारित्र के, या कुछ अलग से कॉन्सेप्ट दोगे, तो यहां पर हमारा क्या बदलेगा, बार बार V बदलेगा। और V को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सूत्र देखना पड़ेगा। तो कुल विभव जो आएगा अंदर वो हम चेक करें, कुल विभव V बराबर कितना आएगा, V1 प्लस V2, यानी कि खाली भाग का विभव कितना है और इस भरे हुए भाग में विभव कितना है, वो V2 आ गया। तो ये देखिए कि खाली भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 है, और खाली भाग की जो जगह है वो कितनी है, डी माइनस टी, यही सूत्र होता है विभव का, ई इंटू डी, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था। अब बी टू कितना होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ई, और दूरी कितनी है इसकी टी, टी मोटाई में ही फैली हुई है। अब ये देखिए कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E0 बटे एप्सिलॉन आर, ये आपको पहले ही अध्याय में पढ़ा दिया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान माध्यम के परावैद्युतांक के कारण कम हो जाता है, और उसका मान कितना होता है, E0 बटे एप्सिलॉन आर, ये हमें याद होना चाहिए, हमने आपको पहले अध्याय में ही बता दिया था बहुत अच्छी तरह से। अब ये मान रख दो, तो E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E0 बटे एप्सिलॉन आर इंटू टी। E0 को कॉमन ले लीजिए आप चाहो तो B बराबर E0 हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा D माइनस T प्लस T बटे एप्सिलॉन R। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबका समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, E0 का मान रख देंगे, E0 बराबर कितना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0,
सिग्मा का मान क्यू बटे ए, तो एप्सिलॉन जीरो ए, ये मान रखिए, तो वी बराबर आ जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर, डी माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर, इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर एक। अब हम क्या करें, वो ही धारिता का सूत्र लगा देंगे, धारिता सी बराबर कितना होता है क्यू बटे बी, तो चूंकि धारिता सी बराबर क्यू बटे वी, वी का मान रख दीजिए, तो हमारा सूत्र आ जाएगा, देखो क्यू से क्यू काट दोगे, एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर, ये हमारा सूत्र आ जाता है यहाँ पर निकल करके, अच्छी तरह से नोट करिए जरा इसको, ये हमारा सूत्र निकल करके आ जाएगा। नोट हो गया सभी बच्चों का? कर लिया? हटा दें, पॉज करके नोट करते रहना आप लोग, मैं तो हटा रहा हूं। हटा देता हूँ, चली 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 हट चली हटा देता हूँ, ये हमने यहाँ से हटा दी। अब देखिए कि कई बार प्रश्न आ जाता है कि मान लीजिए कि आपको दे रखा है के परावैद्युतांक की, परावैद्युतांक की पट्टी एक बटे चार दूरी में रखी, तो धारिता ज्ञात करी, ये प्रश्न आ गया। मान लीजिए के परावैद्युतांक की पट्टी एक बटे चार दूरी में रखी हुई है, एक पट्टी है जिसका परावैद्युतांक कितना है के, और वो एक बटे चार की दूरी में रखी है, यानी कि थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रश्न, हालांकि आप समझ गए होंगे कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसके एक बटे चार भाग में केवल, तो मान लो कुल दूरी d है, तो एक बटे चार भाग में मतलब एक बटे चार डी में रखी है, परावैद्युतांक कितना है के, तो या तो हमें सूत्र पता होना चाहिए डायरेक्ट, या नहीं पता है तो आप निकाल लेना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। अभी अभी किया है हमने, तो अभी हमने किया है तो हम लगा सकते हैं सी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर, यही किया था, अब इसमें आप लगा सकते हो, तो सी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी और माइनस डी बटे चार, टी की मोटाई कितनी है डी बटे चार, प्लस डी बटे चार के, एप्सिलॉन आर की जगह क्या दिया बच्चों के, अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो सी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए डी कॉमन ले लीजिए, एक माइनस एक बटे चार प्लस एक बटे चार के, तो सी बराबर एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी, ये बचेगा आप पर तीन बटे चार प्लस एक बटे चार के। अब एप्सिलॉन जीरो ए बटे डी को हम क्या लिख सकते हैं, निर्वात में धारिता, तो सी बराबर सी जीरो बटे और चार के एलसीएम ले लो, तो तीन के प्लस एक बटे चार के, यही बनेगा एलसीएम लेने के बाद में, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा सी जीरो चार के बटे थ्री के प्लस वन, ये हमारा उत्तर आ जाता है। तो इस तरह के सवाल एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आसानी से आप लोग करके आ सकते हैं, कोई भी परेशानी की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आराम से आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, बहुत आसानी से, आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्सों को उतारिए, बड़े आराम से करिए, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैं हटा दूँ, ये हटा देता हूँ, हटा देता हूँ, अब मान लीजिए कि बहुत सारी पट्टियाँ अंदर रखी हो,
T1, T2, T3 मोटाई की पट्टियां जब रखी, लिखिए जब समांतर प्लेट संधारित्र में T1, T2, T3, TN मोटाई की तथा εr1, εr2 और εrn परावैद्युतांक की पट्टियां रखी हूं। अब देखिए आपका ये प्रश्न बन गया कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र में इतनी सारी पट्टियां रखी हैं जिनकी मोटाई सबकी T1, T2, T3 और जिनके परावैद्युतांक इतने, तो तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। तुल्य धारिता हम कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको बताया था कि विभव निकाल करके ज्ञात करेंगे और पूरा भर दिया जाता है इन पट्टियों से, कंडीशन जो लगी हुई है ना, पूरा भर दिया जाता है इन पट्टियों से। तो ये देखिए, मैं हटा दूँ इसको जरा, अब मैं करना चालू करता हूँ, आंसर डालता हूँ। पहले एक प्रश्न आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना आप लोग। अब ये मान लेते हैं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया हमारा, ये मैंने जल्दी जल्दी समांतर प्लेट संधारित्र आप लोगों के लिए बना दिया बच्चों। और अब मैं इसमें अलग अलग मोटाई की T, फिर T2, फिर T3 ऐसे ही TN तक की कई सारी ढेर सारी पट्टियाँ T1, T2, TN जिनके εr1, εr2, εrn है, ये इसमें भरी पड़ी हुई है, पूरा भर रहा है संधारित्र। तो हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था एक ही कॉन्सेप्ट, विभव ज्ञात कर लेना, धारिता अपने आप आ जाएगी। विद्युत विभव ज्ञात कर लो, सीधा सा है, सी बराबर क्यू बटे वी लगाओगे तो विद्युत विभव ज्ञात कर लो ना, क्या दिक्कत है। T1 पर कितना होगा, T2 पर कितना होगा, तो कुल विद्युत विभव बी बराबर होता है B1 + B2 + Vn। वी बराबर कितना होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू मोटाई। तो E1 पहले पर मान लो T1, E2 T2 ऐसे ही EN TN। अब E1, E2, E3 क्या होंगे, ये निर्भर करता है इनके परावैद्युतांक पर। तो ये बन जाएंगे E0 / εr1, ये क्या बनेगा E0 / εr2, ऐसे ही लगातार हमारे चलते चले जाएंगे। तो E0 / εrn TN। अब क्या करें बच्चों, कॉमन ले लो E0, तो ब्रैकेट में क्या बचा T1 / εr1, T2 / εr2 + लगातार चलते TN / εr n, ये हमारा आ गया। अब E0 का मान रख देंगे σ/ε0, यानी कि Q/ε0a। अभी भी सिखाया था ना आपको E0 बराबर कितना होता था, ध्यान भूल गए क्या? E0 = σ/ε0 और σ = Q/a, तो Q/ε0a ये हमने रख दिया। तो हमारे पास में आ गया T1 / εr1 + T2 / εr2 + TN / εrn, ये हमने यहाँ पर आकर के कर लिया। अब क्या करना है हमें, अब सीधे सीधे हमें धारिता लिखनी है, क्योंकि धारिता C बराबर होता है Q/V। V का मान रख दीजिए तो Q से Q कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा εr0a/, ये पूरा नीचे पहुंच जाएगा εr0a/, बोलो T1 / εr1 +
टी टू बटे एप्सिलॉन आर टू प्लस एन टी एन बटे एप्सिलॉन आर एन, ये आ गया हमारा। अभी इसमें एक ट्विस्ट दे देते, मान लीजिए कि इनके बीच में गैप है, तो हमारा d माइनस टी वन आता सब में, डी माइनस टी वन प्लस टी टू, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, उस तरह का नहीं आएगा आपके लिए। तो सीधे सीधे से आ गया, अच्छी तरह से आप इसको नोट करिए, फटाफट से नोट कर लो बच्चों, जल्दी 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 नोट करिए। हो गया बच्चों नोट, हटा दें इसको, हटा रहे हैं, हटा दी तुम चल। अब देखिए गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र क्या होगा, अब हम बात करेंगे कि गोलीय संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात करें और गोलीय संधारित्र होता क्या। तो जिस तरह से हमने समांतर प्लेट संधारित्र बनाया था, ठीक वैसे ही हमारा क्या बनता है, गोलीय संधारित्र होता है बच्चों। तो गोलीय संधारित्र के लिए हम क्या करते हैं कि एक गोले को क्या करेंगे, हम धनावेशित कर लेंगे, तो आवेश इसकी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, ये आप जानते हैं। और मान लेते हैं कि इसकी गोले की त्रिज्या कितनी है, आर वन है, गोला मान लिया भैया ए, गोला नंबर ए। अब हम क्या करें कि इसके बाहर एक दूसरा गोला, इसके बाहर हम क्या करते हैं कि एक दूसरा गोला रख देते हैं, इसके बाहर हमने दूसरा गोला एक रख दिया, तो प्रेरण के कारण B की आंतरिक सतह पर माइनस आवेश प्रेरित होगा। यदि ये प्लस क्यू था तो ये कितना प्रेरित हो गया, माइनस क्यू आवेश, और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होगा, उसको हम क्या कर देंगे, भूसंपर्कित कर देंगे, उसको हमने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। तो ये बन गया हमारा गोलीय संधारित्र, क्या बन गया बच्चों, गोलीय संधारित्र। अब इस गोलीय संधारित्र में इसकी त्रिज्या हमने मान ली बड़े वाले की कितनी है, आर टू। अब हमें धारिता ज्ञात करनी, तो धारिता ज्ञात करने के लिए तो सूत्र एक ही है हमारे पास, सूत्र क्या होता है, क्यू बटे वी, सी बराबर क्यू बटे वी। तो अब सी बराबर क्यू बटे वी हमें लगाना है, लेकिन V चाहिए, क्या चाहिए, V चाहिए, तो इसका विद्युत विभव ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस पहले गोले A के कारण जो विद्युत विभव बनना है बाहर, वो विद्युत विभव बाहर बनेगा V1 मान लीजिए, और इसके अंदर दूसरे गोले का विद्युत विभव मान लिया हमने कितना है, V2, दो ही विभव आ रहे हैं बस। तो ये जो गोला है, गोला ए, इसके कारण विद्युत विभव आप लोग सभी जानते हैं के क्यू बटे आर होता है, यानी कि आर वन। दूसरे गोले के कारण विभव, जो कि कम करेगा विभव को, वो कितना होगा, माइनस के क्यू बटे आर टू, क्योंकि माइनस का है वो, तो विभव को कम कर दिया कि नहीं, ए के विभव को बी ने कम कर दिया, यही तो चाहिए था। के क्यू कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा लघुत्तम लेकर के R2 माइनस R1 बटे R1 R2, ये डाल दिए हमने समीकरण नंबर एक। अब विद्युत धारिता C बराबर कितना होगा, Q बटे V, विद्युत धारिता C बराबर Q बटे V, B का मान रख देंगे, क्या बचेगा बताओ, Q बटे B का मान रखिए आप, के क्यू R2 माइनस R1 बटे R1 R2, Q से Q काट दीजिए, तो C बराबर R1 R2 बटे K R2 माइनस R1, एक बटे K को हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 बटे R2 माइनस R1, ये हमारी विद्युत धारिता आ गई।
या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी बराबर 4πε₀ आर वन आर टू बटे आर टू माइनस आर वन। ये विद्युत धारा सी जीरो निर्वात के अंदर आ गई। इसको नोट करिए आप लोग, अच्छी तरह से नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट हटा दें। नोट कर लिया सभी ने? हटा दिया जाए? ठीक है हटा रहे हैं। हटा देता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि बेलनाकार संधारित्र क्या हुआ। ये देखिए नंबर तीन था हमारा बेलनाकार संधारित्र। तो बेलनाकार संधारित्र भी वैसे ही एक बेलन ले लीजिए, मान लेते हैं कि एक एल लंबाई का हमने बेलन ले लिया, ये हमारा एक बेलन हो गया और इस बेलन की त्रिज्या हमने कितनी मान ली ए, ये इस बेलन की अक्ष हो गई जिसकी लंबाई एल मान। इसको हम धनावेशित कर लें तो धनावेशित करने पर धनावेश इसकी लंबाई पर पूरी तरह से फैल जाएगा। कैसा होगा? पूरी तरह से फैल जाएगा। तो हम क्या करें, बाहर के भाग को आवेशित करें बच्चों, ऐसे आवेशन यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ दिखा दो आप चाहो। अब इसको बंद कर देते हैं एक दूसरे बेलन से जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम कितनी है, बी है। ये हमने एक और बेलन ले लिया और जिसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, बी। जिसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, बी। ये पूरी त्रिज्या बी है। तो बेलन की धारिता ज्ञात करने के लिए किसी भी बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन अब नहीं आता, हटा दिए गए हैं कोर्स में से, लेकिन आपको सूत्र जरूर पता होना चाहिए। तो इसका सूत्र होगा सी बराबर 2πε₀ एल बटे लॉग ई बी बटे ए। अच्छी तरह से सूत्र को ध्यान रखना, कभी कभी कोई भी न्यूमेरिकल इसमें से पूछ लिया जाता है। तो एक चीज और है कि ये तो थे, अब सवाल कैसे आएंगे इन पर, तो सवाल के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ईजी है। इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं बनता है जो कि बिना फॉर्मूले के हो जाए, यानी कि सीधे सीधे फॉर्मूले पर ही सवाल होगा, आप करें चाहे नहीं करें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन बच्चे की अच्छी होनी चाहिए। अभी वो सारे डेटा देगा आपको, मान लीजिए गोलीय संधारित्र में से पूछ लिया जाए तो गोलीय संधारित्र में लिख करके देगा कि बाहरी त्रिज्या कितनी है, आंतरिक त्रिज्या कितनी है, तब जाके आप सूत्र लगाना। ऐसी समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों की दूरियां देगा आपको, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल देगा, फिर आपको सूत्र लगाना। तो कहने का मतलब है कोई टेक्निक नहीं है किसी भी प्रश्न के अंदर, ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अच्छी तरह से जुड़े रहिए, करते रहिए, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एक बार पढ़ते रहो इसको यार, पढ़ो अच्छी तरह से आप लोग, ठीक है।